हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं कि आप अपने ब्लॉगिंग, जो गूगल ब्लॉग आप जो बनाते हैं उसको कस्टमाइज़ करते हैं, उसमें पोस्ट डालते हैं, पेज क्रिएट करते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आपको हमारे चैनल अप्रिसिस जोन में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, क्रिएट योर ओन ब्लॉग, उसमें स्टेप बाई स्टेप 4, 5 या शायद 9 वीडियो है। आज हम लोग बात करेंगे कि कुछ लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह आते रहता है ब्लॉग में, तो इसमें रिस्पॉन्सिव थीम को हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, रिस्पॉन्सिव थीम को अपने ब्लॉग पर। मान लीजिए ये वाला हमारा ब्लॉग है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है एक्चुअली, तो हम लोग इसके ऊपर रिस्पॉन्सिव थीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे, वो भी फ्री में, कोई कॉपीराइट नहीं रहेगा और बिल्कुल फ्री में रहेगा। तो चलिए आज हम लोग इसी से रिलेटेड बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज सबीर एंड यू आर वॉचिंग अप्रिसिस जोन। सबसे पहले आप यहाँ पे साइन अप कर लीजिए, जो भी आपका गूगल का अकाउंट है, हम यहाँ पर चलिए साइन अप कर लेते हैं। साइन अप करने के बाद आपका सामने कुछ इस तरह से पेज खुलेगा। अब हमको यहाँ पर रिस्पॉन्सिव थीम को इम्प्लीमेंट करना है। मान लीजिए ये वाला हमारा जो थीम है, ये एक सिंपल सा थीम था, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो सबसे पहले आप समझिए कि रिस्पॉन्सिव होता क्या है। रिस्पॉन्सिव ऐसा थीम है जो हर डिवाइस के मुताबिक, हर डिवाइस के हिसाब से कम्फर्टेबल हो, कम्फर्टेबल हो। तो जैसे मान लिया ये वाला अगर हम लोग मोबाइल में देखेंगे, तो मोबाइल का आकार में वो खुद को कन्वर्ट कर लेगा, देखिए। लेकिन ये वाला इस तरह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पे रिस्पॉन्सिव थीम लाना है, चाहे आप टैबलेट में देखिए, चाहे मोबाइल में देखिए, ये जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, जैसे आपका हार्दिक स्वागत है, तो ये पूरा वॉल दिखना चाहिए था। तो हम यहाँ से जब इसको जैसे छोटा कर रहे हैं, मोबाइल का साइज़ में इसको जब ला रहे हैं, तो ये नहीं दिखता है, तो मतलब ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो हमको आज देखना है कि किस तरह से हम लोग अपने ब्लॉग में रिस्पॉन्सिव थीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप जब यहाँ पे इसमें लॉगिंग हो जाते हैं, तो लॉगिंग होने के बाद अब नीचे में देखिए बहुत सारा डैशबोर्ड में आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक थीम का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पर आप जाइए। फ़िलहाल हमारे यहाँ पर ये वाला थीम सिंपल सा एक थीम है। अब हमको यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिव थीम लेना है, तो चलिए यहाँ पे कुछ ऐसे जैसे कॉन्टेम्पो, शोहो, इम्पोरियो और नोटेबल, ये सब रिस्पॉन्सिव थीम अभी अभी इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी अभी बोलने का मतलब क्या है, कुछ दिन हो ही चुका है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें किस तरह से रिस्पॉन्सिव थीम को इनबिल्ट करिएगा, इम्प्लीमेंट करिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, जो गूगल की तरफ से है, गूगल ब्लॉग की तरफ से है। इससे पहले हमने ये सिंपल वाला थीम को ये, और इस के अलावा ही बहुत सारा थीम आपको गूगल में मिल जाता है, लेकिन कुछ पेड भी होता है, कुछ फ्री भी होता है। ज़्यादातर वर्डप्रेस वगैरह का आपको मिलता है, जो कि एक फ्री है। तो चलिए फिलहाल हम लोग तो वर्डप्रेस के ऊपर बात कर रहे हैं। वर्डप्रेस के बहुत सारे वीडियो हमारे इसे मिल जाता है। अब यहाँ से सिंपली आपको करना क्या है, कोई भी आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। चलिए मान लीजिए यहाँ पर हम इसको चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद हम इसको यहाँ से व्यू करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए कॉर्नर में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, ये देखिए यहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। ये एरो को क्लिक कर करके आप देख सकते हैं कि कौन सा रिस्पॉन्सिव है। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं, देखिए जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं यहाँ से। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग यही वाला लेते हैं। यहाँ पर लेने के बाद हम लोग अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही अप्लाई करते हैं, तो आपको बोलता है कि जो आपका प्रीवियस थीम जो अभी हमने देखा था, क्या उसको आप बैकअप लेना चाहते हैं। तो अगर बैकअप लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप डाउनलोड थीम में कर लीजिए, तो वो थीम आपको बैकअप में आ जाएगा। आप उसको कहीं सेव वे में रख लीजिए, और ना हमको तो बैकअप चाहिए नहीं है, तो हम इसे आप स्किप बैकअप करते हैं। तो ये देखिए अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई तो हो गया, अब वो दिखता कैसा है देखिए। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव थीम के शक्ल में आपको दिख भी रहा है, मोबाइल व्यू और डेस्कटॉप व्यू। चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर व्यू ब्लॉग में जब जैसे क्लिक करते हैं, तो अब देखिए कितना मस्त ये दिख रहा है। यहाँ पे आपका सब मेनू आ गया, यहाँ पे आपका
कुछ अबाउट मी वगैरह कुछ आ रहा है रिसेंट लेवल, जब आप इसको भरिएगा पोस्ट वगैरह करते रहिएगा तो बहुत मस्त दिखेगा ये। तो इस तरह से आप किसी भी ब्लॉग को जो ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं या नया नया बनाए हैं तो आप इसको रिस्पॉन्सिव थीम यहाँ पर ही दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लिया ये रिस्पॉन्सिव सिर्फ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो चलिए हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा से छोटा करते हैं। देखिए देखिए, जैसे ही आप इसको, आपको पूरा कीप रीडिंग ये सब सब चीज़ आपको दिख रहा है, ये मोबाइल व्यू में आपको दिखता है। तो इसी को एक्चुअली रिस्पॉन्सिव थीम कहते हैं कि हर डिवाइस के हिसाब से वो खुद को मतलब कन्वर्ट कर ले और पूरा पूरी लुक्स आपको मिले। तो एक छोटा सा वीडियो था, जानकारी था आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को बताएं, और ब्लॉगिंग करने का आपको अगर शौक़ है और ब्लॉगिंग से आप अर्न करना चाहते हैं, खुद का कंटेंट को वहाँ लोड करना चाहते हैं कुछ भी, तो आप हमारा इस चैनल में अप्रिसी जोन वाला चैनल में जाइए और वहाँ पर क्रिएट और ओन ब्लॉग का एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पर आपको ये सब वीडियोज़ मिल जाएगा स्टेप बाई स्टेप है। उसके बाद आपको जब नॉलेज हो जाएगा तो आप आराम से उसको आगे की तरफ मतलब और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, ये छोटा सा एक वीडियो था, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। स्क्रीन में दिए गए वीडियो को आप डायरेक्टली क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के लोगों पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।